इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा सात ऐसे तरीके जिसके थ्रू आप एक बहुत बढ़िया सैलरी इंक्रीमेंट पा सकते हैं दोस्तों ये है अप्रेजल्स का टाइम एक ऐसा टाइम जहां कंपनीज बहुत बिजी हो जाती हैं एक ऐसे प्रोसेस में जो कि सरप्राइजिंगली ना एचआर को पसंद है ना employees को पसंद है ना ही एम्प्लॉयर्स को पसंद है लेकिन प्रसन्न प्रसन्न पसंद है लेकिन करना जरूरी है क्योंकि अप्रेजल के थ्रू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक निकल के आता है और वो है इंक्रीमेंट्स हमारी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हुई है दैट इज वॉट एवरी बडी केयर्स अबाउट बट वी वेरी रेयरली स्टॉप एंड आस्क आर कि इसको हम कैसे इंफ्लुएंस कर सकते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो इस रिजल्ट की सिर्फ वेट करते हैं आई रिमेंबर जब मैं नियर बाई चला रहा था टू टू बी ऑलमोस्ट पीपल हु गो थ्रू दिस प्रोसेस ट्वाइस अ ईयर एट द एंड ऑफ इट कॉन्वर्सेशन सिर्फ यही होती थी कि मुझे इंक्रीमेंट कितनी मिली मेरी रेटिंग कितनी थी क्योंकि उसी के थ्रू इंक्रीमेंट डिटर्मिन होती थी लेकिन बहुत ही कम कॉन्वर्सेशन होती थी अराउंड कि ये रेटिंग को मैं डिटर्मिन कैसे कर सकता था एंड आई नोटिस दैट द वंस हु कंसिस्टेंटली बेस्ट रेटिंग वो कुछ ऐसा करते थे जो कि बाकी लोगों से अलग होता था दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर इन दिस वीडियो इस पूरी कॉन्वर्सेशन को मैं तीन भागों में बांटूंगा सबसे पहला तीन ऐसे स्टेप्स जो आपको बहुत एडवांस में ही स्टार्ट करने पड़ेंगे बहुत लोग जो है ना वो अप्रेजल के बारे में तभी सोचते हैं जब उनको सबसे पहली बार अप्रेजल का नोटिफिकेशन मिलता है और उनको फिर वो सेल्फ अप्रेजल फॉर्म भरना होता है <laughs> लेकिन बाय दैट टाइम इट्स टू लेट आपको अपने अपने अप्रेजल को और अपने इंक्रेमेंट को और इंक्रीमेंट इंपैक्ट करने के लिए उससे बहुत पहले स्टेप्स लेने पड़ेंगे एंड विल बी थ्री एडवांस स्टेप्स उसके बाद तीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो आपको करनी पड़ेंगी टूवर्ड्स योर इंक्रीमेंट ये इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इमीडिएटली आपको रिजल्ट नहीं देंगी लेकिन अगर आपने इन तीन स्टेप्स पे काम किया। you will be surprised कि आपके इंक्रीमेंट साल दर साल दर साल कितने बढ़िया बनते रहेंगे। लास्ट ट्वेल्व इन ऑफ रनिंग कंपनीज वर्क द बेस्ट इफ पीपल डू इट शुरू करते हैं एडवांस प्रेप मेथड से एडवांस प्रेप मेथड नंबर वन डेटा अगर आप किसी भी रोल में हैं, कोई भी फंक्शन हो सकता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो सकता है वो मैनेजमेंट हो सकता है वो डेटा साइंस हो सकता है वो मार्केटिंग हो सकता है वट एवर इट इज आपको डेटा के थ्रू ये डिटर्मिन करना जरूरी है कि आपके फंक्शन और आपके लेवल और आपकी इंडस्ट्री में वट आर दी एवरेज पे पैकेजेस क्योंकि जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा ना देन आपकी जो इंक्रीमेंट की जो डिजायर है वो एक्चुअली एक डिजायर ही होती है इतने सारे लोग हैं जो मुझे यह बोलते हैं कि मुझे इतनी इंक्रीमेंट चाहिए क्योंकि मेरे महीने का खर्चा इतना है ईएमआई you know को को कि चल रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको किसी की शादी करवानी है या खुद की करनी है तो बहुत जरूरी है कि आप डेटा से अपने एनालिसिस को करे फाइंड आउट वॉट इज इट दैट पीपल ऑन एन एवरेज एट योर लेवल इन योर फंक्शन इन योर इंडस्ट्री गेट पेड कैसे बहुत सारे टूल्स है टूल्स लाइक ग्लासडोर डॉट कॉम जो आपको एवरेज सैलरीज देता है इंडीड से आपको मिल सकता है आप खुद अपना प्राइमरी रिसर्च कर सकते हैं लेकिन जब वो रिसर्च करेंगे तो प्लीज इन कि जो जो अच्छी सैलरीज है कि लोग बोलते हैं अरे मेरा दोस्त यही काम कर रहा है दूसरे स्टार्टअप में उसको तो बारह लाख रुपए मिल रहे हैं मुझे सिर्फ नौ मिल रहे हैं उसमें बहुत सारी और नुआंस हो सकते हैं जो आपको पता भी नहीं है आपके रोल को इन द इंडस्ट्री फॉर दैट लेवल इन दैट फंक्शन कितना मिलता है कंपनी के प्रोसेस को बहुत अच्छे ढंग से समझिए इतने सारे लोग होते हैं वो डोंट इवन अंडरस्टैंड हाउ देयर कंपनी अप्रेजल प्रोसेस वर्क कौन कौन से इनपुट्स हैं जो उसमें जा रहे हैं हाउ डज द प्रोसेस वर्क वॉट इज इट दैट हैज दाइस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी या आउटकम ये सब जानने की कोशिश करिए उसको परखने की कोशिश करिए एंड लास्ट ईयर में ये कैसे सिस्टम चेंज हुआ है उसको भी समझने की कोशिश करिए जब कभी भी कंपनी का अप्रेजल सिस्टम चेंज होता है इट गिव्स यू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि कौन सी चीजें जरूरी थी और अब नहीं है कौन सी चीजें अब जरूरी हैं जो शायद पहले नहीं थी सो इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस कंपनी के पूरे अप्रेजल सिस्टम को सही से समझें ढंग से समझें इन डेप्थ समझें और उन लोगों से बातें करें जो इस अप्रेजल प्रोसेस को बहुत बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं एंड दैट्स हाउ दे अंडरस्टैंड वॉट ट्रूली वर्क क्योंकि ये आपके लिए शायद नया या पहली बार का एक एक्सपीरियंस हो सकता है एंड यू वुड नॉट गो ब्लाइंड साइडेड इन सच अ एक्टिविटी राइट आप कुछ तो अपनी रिसर्च करेंगे ही दिस इज द एग्जैक्ट सेम रिसर्च दैट यू हैव टू डू

वो सिर्फ यही लिखते थे कि उन्होंने इस पिछले छह महीने या बारह महीने क्या किया यू you नो know वो तो कंपनी को ऑलरेडी पता है वो तो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है जो आपने किया है वो तो आपके जेडी आपके ऑफर लेटर में ऑलरेडी लिखा हुआ था उसको फिर से दोहराकर, यू कान कन्विंस मी दैट यू डिड अ बेटर जॉब दैट यू डिड अ गुड जॉब आपको मुझे ये बताना होगा कि आपने जो काम किया उससे हासिल क्या हुआ जो आपने काम किया उसका आउटकम क्या था सो यू हैव टू फोकस एंड प्लान फॉर वट डिड योर वर्क अचीव नॉट वॉट यू डिड बहुत सटल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है अगर आप हमेशा अपने रेज्यूमे में सिर्फ वही चीजें लिखेंगे जो आपने की तो यू विल कॉन्स्टेंटली गेट कंपेयर विद

Methods. पहले डेटा के साथ आइए दूसरा अंडरस्टैंड कंपनी प्रोसेस क्लियरली एंड तीसरा बी प्रिपेड विद हाउ योर वर्क आउटकम अब इन तीन, में तीन में तो के साथ, आपको तीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी करनी पड़ेगी जैसे मैंने बताया ये इन्वेस्टमेंट्स रातों रात आपको इंपैक्ट नहीं दिखाएंगे लेकिन वेन यू मेक दीज इन्टमेंट्स यू विल सी लॉन्ग टर्म ब्रिलियंट इंपैक्ट ऑन योर इंटायर करियर सबसे पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपस्किल स्किल योर सेल्फ दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जाहिर सी बात है जो आपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ा था दैट इज नाउ रिटर्न इनफैक्ट स्कूल और कॉलेज में जो हमने पढ़ा था वो शायद कभी भी एप्लीकेबल नहीं था सो वट इंपॉर्टेंट इज कि आप आज के डेट की जो इंडस्ट्री है उसके स्किल से अपडेटेड रहिए एंड देर इज नथिंग एल्स दैट कम्स क्लोज टू दिस क्योंकि अगर आप अपने काम को बखूबी करना जानते हैं लेकिन आप अपने आप को स्किल भी करते रहते हैं देन यू बिकम अनबीटेबल माइ फ्रेंड अ टेरिफिक प्लेस टू अपर सेल्फ इज अपग्रेड अपग्रेड पे बहुत सारे कोर्सेस हैं इन एसोसिएशन विद वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए आप दे सकते हैं एम बी ए है डेटा साइंस है सॉफ्टवेयर हो गया वेन यू लुक एट मोर ए आई एम एल मार्केटिंग में मैनेजमेंट में बिजनेस एनालिटिक्स जॉब गारॉ देपल सच कोर्स यू कैन इवेल्युएट आप इन सारे प्रोग्राम्स को घर बैठे हुए भी कर सकते हैं एंड इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेट एक्सपीरियंसिस प्लस ग्रेट फैकल्टी फॉर एग्जाम्पल ये एम बी ए फ्रॉम द लिवरपूल बिजनेस स्कूल इट्स एन एटीन मंथ प्रोग्राम 12 घंटे हफ्ते सो इट्स अ फेयरली बिग कमिटमेंट जैसे कि मैंने बताया ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है सिर्फ रातों रात आपको इसका इंपैक्ट नहीं दिखने वाला है एंड यू गैन एन एम बी ए लिवरपूल बिजनेस स्कूल आप एक हफ्ते का इमर्जिव प्रोग्राम भी कर सकते हैं ऑन द कैंपस विच इज ऑफकोर्स ऑप्शनल आपको अपनी नौकरी नहीं छोड़नी है सो यू कैन डू इट अलॉन्ग साइड विद योर वर्क यू गैट अ पीचीपी डिग्री इज वेल फ्रॉम आई एम टी गाजियाबाद आपको मिलता है यू गेट टू नेटवर्क विदर्स आपको एलोम स्टेटस मिलता है वेरी वेरी एग्जॉस्टिव इन एवरी थिंग दैट इट हैजू कवर मार्केटिंग हो गया बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया अकाउंटिंग फाइनेंस एक्सेट्रा 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 सो इमेजिन अगर आप एक ऐसे रोल में है जहां एन एम बी ए विल हेल्प यू बिकम अ बेटर प्रोफेशनल एंड

बट द पर्सन आई बिकेम आफ्टर माई एम बी एस अंप्लीटली न्यू पर्सन एंड आई वुड इमेजिन अप स्किलिंग डैट टू अब अपग्राड के सारे कोर्सेज चेकआउट करने के लिए प्लीज जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और प्रिंट कमेंट में टैग किया हुआ है उस पर क्लिक करके यू कैन एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दैट सेकंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज यह ना बहुत अजीब सा और बहुत ही सटल सेंसिटिव सा पॉइंट है लेकिन आई वॉन्ट टू शेयर हाउ दिस वर्क रियलिटी ये है कि जो सारी कंपनीज है ना वो सेल्फिश है उनको सिर्फ अपने और अपने बारे में ही सोचना है एंड दैट मीनस वो हमेशा ये पूछते रहते हैं कि कौन सा शख्स है जो हमारे लिए सबसे बेस्ट काम कर सकता है इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल तो कोई भी इंसान जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार हो जाता है कोई भी इंसान जो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से एग्जीक्यूट करता है कोई भी इंसान जो हमेशा इनिशिएटिव दिखाता है दे विल ऑलवेज बी लव्ड बाय दो कंपनीज तो यू have to नॉट shy अवे फ्रॉम टेकिंग ऑन मोर responsibilities. Unfortunately, हम ज्यादा पावर मांगने की कोशिश करते हैं ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अगर हम यंग हैं, तो हमें लगता है कि अरे यार हमारे पास एक टीम आ जाएगी ना तो हम थोड़े पावरफुल हो जाएंगे हमारे पास ज्यादा प्रोजेक्ट आ जाएंगे तो हम थोड़े पावरफुल हो जाएंगे बट दैट ड नॉट मीन यू टेकिंग ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉट यूर ट्राइंग टू डू इज यू जस्ट ट्राइंग टू गेट अ मोर पावरफुल फीलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आप ये जानते हैं कि आप उस काम को अच्छे से कर सकते हैं आप ये जानते हैं कि आप वो काम करना चाहते हैं आप ये जानते हैं कि उस काम को करने से कंपनी की आगे ग्रोथ होगी एंड यू देन विलिंगली ऑफर टू टेक ऑन एंड डू अ गुड जॉब एट दैट कितने ही लोग हैं जो ये करते हैं एंड आई कैन टेल यू विद एक्सपीरियंस जो कोई भी ये करता है दे आर नेवर एवर एवर इग्नोर्ड इन अंपनी सेटअप एंड नंबर तीन बहुत जरूरी है समझना इसको जरूरी है और सरप्राइजिंग लगेगा लेकिन समझने की कोशिश करिएगा अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दू मेक टू वर्ड्स है सक्सेस एंड दस ग्रेट इंक्रीमेंट्स इज टू बी लाइकेबल अगर लोग आपको पसंद करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली लोगों की नजरों में एक अच्छे परफॉर्मर बनने लगते हैं एंड दिस इज ट्रू फॉर लाइफ इट इज ट्रू फॉर रिलेशनशिप्स ये काम के के लिए तो डेफिनेटली जरूरी है किसी भी और जिंदगी के, कोई भी और और जिंदगी कोई आसान गुजरेगी ना वट मीन कि लोग आपको पसंद करते हैं इट मीन कि आप उनकी हा में, हां में कि आप उनके तलवे चाटेंगे और बोलेंगे हाँ, That you always एक्ट विद रिस्पेक्ट चाहे कोई भी इंसान हो चाहे वो आपसे जूनियर हो चाहे वो आपसे सीनियर हो चाहे वो ऑफिस का पीएन हो सिक्योरिटी गार्ड हो या आपके कॉलिग्स हो यू विल ऑलवेज एक्ट विद रिस्पेक्ट Irrespective ऑफ कि वो कैसे दिखते हैं कैसे बोलते हैं कैसे खाते हैं उनकी डेजिग्नेशन क्या है उनकी सैलरी क्या है वो कौन से स्कूल से पढ़े हैं डेंट मैटर वॉट मैटर्स इज दैट यू कंडक्ट यूर सेल्फ विद रिस्पेक्ट ऑल द टाइम नंबर वन नंबर कंप्लेन नहीं करते कितने सारे ऑफिस में लोग होते हैं जो कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते रहते हैं कंप्लेनिंग अबाउट रैंडम शिट वो करते हैं दे कीप कंप्लेनिंग कि ये सही नहीं है वो सही नहीं है सुट्टा ब्रेक पे छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा कल ही अगले महीने ही छोड़ दूंगा इट्स कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग बिकॉज दे फील दैट दे आर एंटाइटल्ड दे आर एंटाइटल्ड टू समथिंग विच इज फार बिगर देन वॉट दे हैव फॉर इसकी वजह से

आप में गलतियां निकाल के ये बता रहा है कि आपने गलत कहां किया है एक ढंग से आपकी मदद कर रहा है एंड यू देन हैव टू चॉइसेस या तो आप उस इंसान को इग्नोर करेंगे और बोलेंगे hey, इसको क्या पता आई एम बेटर आप उस इंसान को सुनेंगे सुनेंगे नॉट द सेंस ऑफ अग्रींग with ऑल ऑफ देम बट with the इंटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वो आपको क्या बोलना चाहते हैं बिकॉज इफ आर एबल टू डू दैट देन यू नॉट जस्ट बिकम लाइकेबल

जिसको लोग पसंद करते हैं दे नो कि ये इंसान जो है ये कभी भी किसी के बारे में भी कुछ भी खरा खोटा नहीं सोचता है दे कंप्लीटली डिवोटेड बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ एट वर्क एंड एंड दैट इज लास्ट नंबर सेवन बोनस मेथड टू गेट अ ग्रेट इनकमेंट एंड दिस गोज बैक टू वन ऑफ माई फेवरेट लाइफ मोटर्स इन लाइफ इफ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो अगर आप पूछेंगे भी नहीं तो हमेशा जवाब ना ही होगा ना वीन बाई इसका मतलब ये नहीं है है है, है, कि कि आप अपनी के लिए पूछ रहे हैं। But इसका मतलब जब जब भी आपको है, जब भी आपको मिलती वो रिजल्ट होता बेसिस फॉर दिस यू आस्क यू नीड टू डू टू गेट टू हायर स्टेज यू आस्क वॉट इज इट दैट यू डिड नॉट डू विच गॉट यू टू दैट रिजल्ट पूछना जरूरी है क्योंकि जब आप पूछेंगे नहीं जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि गैप कहां था यू विल ऑलवेज बी ब्लाइंडेड बाय व्हाट यू नीड टू डू आपको पता भी नहीं कि आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं आपको ये नहीं पता है कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके थ्रू अगली बार जब वो इंक्रीमेंट आपको मिले तो वो वही हो या उससे भी बेहतर हो जितना आपने अपने लिए सोचा हुआ था वन यू कंबाइन दीज सेवन स्टेप्स टूगेदर यू गेट द बेस्ट अप्रोच टू वर्ड्स Figuring your career, growing in it, and thus leading to unbelievable increments. पैसा ना एक natural byproduct है. अगर आप उसको objective बना लेते हैं, तो आप हमेशा short term decision लेना शुरू कर देते हैं. लेकिन अगर आप अपने काम को अपना objective बना लेते हैं, अपनी quality को अपना objective बना लेते हैं, then take it from me, पैसा एक natural byproduct बन जाता है. Because you then become aware कि आप किस ढंग से अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं बिकॉज यू हैव कंट्रोल ओवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग योर क्वालिटी एंड योर केपेबिलिटी ऑल द बेस्ट फॉर द अप्रेजल सीजन ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग दैट यू डू इन लाइफ दिस इज साइनिंग ऑफ माई फर्स्ट बुक डू इज नाउ आउट आई वुड लव फॉर यू टू अ कॉपी ऑफ डू एपिक्षित